गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं सेवन स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है द हीट। चलिए पढ़ाई करते हैं। आज के वीडियो में हम सारे जो एक्टिविटीज़ है इस पेज की जो एक्टिविटीज़ है उनको डिस्कवर और उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पहली एक्टिविटी जो है, जो हमें चीज़ें चाहिए रहेंगी। हम देखेंगे बार्स ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर एंड कैंडल एंड अ बर्नर और पिंस एक्सेट्रा। आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो। बर्नर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आई होप आपके स्कूल में ये एक्टिविटी टीचर्स ही करा के दिखा जाए। अगर लैबोरेटरी जो होती है स्कूल में उनमें तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। सबसे पहले हम देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्सिटी, कन्वेंसिटी एंड रेडिएशन। अब जो हीट ट्रांसफ़र के तीन अलग अलग मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, ये तीनों चीज़ों से हीट एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकती है। सबसे जो हाईली रिकमेंडेड है, जो हर बार काम करता है, वो है कंडक्शन। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जल्दी से हीट ट्रांसफ़र होना कंडक्शन में। जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के, जो एक चीज़ पहले से गर्म है अगर दूसरी चीज़ उसके साथ अटैच होती है तो वो चीज़ भी गर्म होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्शन प्रोसेस। यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा बार काम कर जाती है। अभी हम देखेंगे प्रोसीडर। अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स क्या है जैसे हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे 9.2 के नीचे लिखा है कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे पहला जो हमारा कंडक्शन लिखा गया उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। स्टेनलेस स्टील और आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बार्स ईच अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हैव द सेम शेप। अप्लाई वैक्स सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैंडल ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ऑल द 3 बार्स स्टिक अ पिन ऑन ईच ऑफ स्पॉट्स सो दैट इट इज अपराइट। Now insert the end of all the 3 bars into flame at the same time. Observe for a while. What do you see? Which bar does the pin starts falling first and why? अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें ये सारी जो चीज़ें ऊपर लिखी गई थी ये सारी लगेगी वो अप्रॉक्सिमेटली 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होनी चाहिए और तीनों सेम शेप की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप एक ट्राइपॉड पे देख सकते हो उन्हें कैसे रखा गया है। कैंडल वैक्स के थ्रू उन्हें वहाँ पे चिपकाया गया है ट्राइपॉड से। उनके जो 3 एंड्स हैं उन्हें अलग 2-2 सेंटीमीटर की दूरी में रखा गया है, पर उनके जो स्टार्टर्स हैं उन्हें बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज में रखा गया है। कोई भी गैप नहीं रखी गई है और उसके नीचे बर्नर रखा गया है। अभी आपको ये स्पॉटेड वैक्स जो है उसके थ्रू आपको नेल्स चिपकानी है, पिन चिपकानी है और स्पॉटेड वैक्स के थ्रू आपको जो तीनों स्टिक्स है वो ट्राइपॉड पे चिपकानी है। आप उसे बाद में निकाल भी सकते हो। स्पॉटेड वैक्स भी आसानी से, थोड़ी सी मेहनत लेके वो स्पॉटेड वैक्स निकल जाता है। अभी हम देखेंगे पिंस फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर ऑफ द बर्नर। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द बार टू द कोल्ड एंड। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड हॉट पार्ट टू एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट, कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। एक चीज़ से एक दूसरे चीज़ के कांटेक्ट पे आने पे जो सबसे स्टार्टिंग के पिंस होती है वो गिरना शुरू कर देती है क्योंकि वो हीट के चपेट में आ जाती है। अभी हम देखेंगे पिंस ऑफ द कॉपर बार स्टार्ट्स फॉलिंग फर्स्ट। द पिन ऑन द स्टील बार स्टार्ट्स फॉलिंग
comparatively late, heat is conductively quicker on copper. Conduction of heat through the substances depends on the property of the substance. The conduction of heat takes place through a solid substance shown as the medium is required for a conduction of heat. अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर. अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस थ्रू अ लिक्विड. अभी अगर लिक्विड सबसे पहले सॉलिड के थ्रू हो गया, अभी लिक्विड के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होगा हम उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हमें चाहिए ए बीकर, पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल, अ बर्नर, वाटर एक्सेट्रा. अभी सबसे पहले आप देखोगे कि हमें जो है चीज़ें दी गई है, अगर आपके पास हो तो आप इसे कर सकते हो. सबसे पहले टेक सम वाटर इन अ बीकर, हीट द बीकर स्लोली ऑन द गैस बर्नर, ड्रॉप फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन टू द वाटर. नाउ वॉच द वाटर इन द बीकर केयरफुली. वॉट डू यू सी? You will see streams of water going upwards and then coming back to the bottom due to the potassium permanganate. This magnetin color streams can be identified easily. When heating begins, the water comes near the bottom, bottom becomes warm and its density decreases. The convention currents. This is the process is called convention of heat. अभी आप इस एक्टिविटी में देखोगे कि जब हमने क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट डाले उसके ही कारण ये एक्टिविटी पॉसिबल हुई. अगर पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं होता तो नॉर्मली जैसे एक पानी एक नॉर्मली बॉल होता है वैसे ही होता. पर अगर इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं होता तो जो रेगुलेशन है हॉट और कोल्ड वाटर का वो नहीं होता. सो प्लीज़ रिमेम्बर, आपको पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स डालना इम्पोर्टेंट है. अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जो है द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेंसिटी. अभी हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में तो पढ़ा कि डेंसिटी कन्वेंशन में आती तो है पर वो कैसे आती है, उसका काम क्या है, उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले इसमें इस एक्टिविटी करने के लिए हमें एक चाहिए टेस्ट ट्यूब और पीस ऑफ आइस, वायर, गैस, अ बर्नर एंड अ कैंडल. करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें लगेगी. अभी ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है. सबसे पहले आप देखोगे बर्नर है जो आइस रैप्ड इन वायर है, उसके साथ क्या हो रहा है अभी हम इसमें देखेंगे. कुछ पानी लेना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है. जो हीट है वो ऊपर तक ही है, वो हीट नीचे नहीं आ रही. अगर हमने उसे गर्म करते हुए नीचे से किया होता तो वो पूरी हीट ऊपर तक ट्रांसफ़र होती, पर अभी हम ऊपर से बॉइल कर रहे हैं तो पूरी की पूरी हीट नीचे तक ट्रांसफ़र नहीं होती. इसलिए जो आइस रैप्ड इन अ वायर गैस है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. अभी आपको इस एक्टिविटी से डेंसिटी एंड कन्वेंशन का रिलेशनशिप तो समझ आ ही गया होगा. अभी मान जाते हैं हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर जो है रेडिएशन. रेडिएशन बहुत ज़्यादा सिंपल है. जैसे आप किसी भी फायर या हीट के पास जाओगे उसके थ्रू जो रेज निकलते हैं और उसके टेम्परेचर के वजह से वहाँ पे हीट तैयार हो जाती है, तभी उसके आसपास के एरिया में गर्माहट भी तैयार हो जाती है. उतना गर्म तो नहीं जितना वो गर्म है, पर एज पर गर्म हमारी स्किन उसे सह पाती है. इसलिए जिसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो आग से आग ठंडी में आग सेकते वक्त उसे थोड़ा पीछे रहता है, और जिसकी स्किन कम सेंसिटिव होती है वो थोड़ा सा हाथ आगे कर लेता है क्योंकि उसे बेटर फील हो. अगर आपको रेडिएशन के बारे में समझ गया होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना.
अभी हम आ जाते हैं वंडर्स ऑफ साइंस के बारे में। हमारे अंदर भी रेडिएशन मौजूद है। इस रेडिएशन को रीड करने के लिए साइंस ने ऐसे कैमरास निकाले कि आप किसी भी चीज़, ह्यूमन ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज, माउंटेन, स्टोन्स एंड रॉक्स की भी आप क्या कह सकते हो, रेडिएशन देख सकते हो। रेडिएशंस टू मेक आर सराउंडिंग्स विजिबल एट नाइट, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्रारेड कैमरा। यूजिंग द कैमरा दिस इज पॉसिबल टू कीप वॉचिंग ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। रेडिएशन ये ऐसी काम करती है, अगर आपको लेट मी टेल यू, ये सारी चीज़ें बॉर्डर या बॉर्डर से पहले के जो कैंप्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एज पर एनिमीज का जो गिली सूट होता है, जो वो कपड़ा पहनते हैं, उससे पहने से वो जो झाड़ियों में है उनमें कैमोफ्लाज कर जाते हैं, वो बहुत कम से दिखता है। तो उन्हें स्पॉट करने के लिए उन्हें पूरी तरीके से उन्हें इस रेडिएशन डिवाइस के थ्रू चेक करना पड़ता है कि उनके रेडिएशंस किसी ट्री या किसी ह्यूमन बीन से मैच कर रहे हो या नहीं। ह्यूमन बीन के रेडिएशन जैसे आप बाजू वाले फोटो में देख सकते हो वहाँ पे मैच करता है। इस पर ये चीज़ ऐसे काम करती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक।